गाइज वेलकम बैक टू माई चैनल ग्लैम विद जाला। सो गाइज आज मैं आप सबके साथ शेयर करने जा रही हूँ मीशो की लहंगा के रिव्यू। उससे पहले आपके साथ मैं कुछ बातें शेयर करना चाहती हूँ। थैंक यू सो मच मेरी फैमिली को ज्वाइन करने के लिए। फाइनली हमारी फैमिली ने 5000 रीच कर लिया है। अब हमारी फैमिली थोड़ी और बड़ी हो गई है। नाउ फाइनली वी आर फैमिली ऑफ 5000 मेंबर्स। सो मैंने कभी नहीं सोचा था इतनी जल्दी 5000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो जाएंगे मेरे, बट ये सारा कुछ आप लोगों की वजह से हो पाया। सो थैंक यू सो मच। इसी तरह से मेरे चैनल पर बने रहें और अपना प्यार देते रहें, एंड इसे बहुत जल्दी 10000 भी करना है। सो ये सिर्फ आप लोग कर सकते हो। इसी तरह अपना प्यार देते रहें, अपना साथ देते रहें, ताकि मैं ऐसी अच्छी अच्छी वीडियोस आपके साथ शेयर करती रहूं। ये थी एक खुशखबरी जो आपके साथ मुझे शेयर करनी थी। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले एंड पास में नोटिफिकेशन बेल आइकन है उसे भी हिट कर ले। एंड अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहते तो मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है ग्लैम विद जाला, आप मुझे वहां फॉलो कर सकते हो। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट जो लहंगा मैं आपको दिखाने जा रही हूँ, ये मीशो पे बहुत सारे लोगों ने देखा होगा एंड बहुत सारे लोगों ने रिक्वेस्ट भी करा था, एंड मुझे पर्सनली वो लहंगा काफी अच्छी लग रही थी। तो ये है गाइस फर्स्ट लहंगा। पिक्चर देखकर आपको समझ में आ रहा होगा ये कौन सी लहंगा है। सो इसके बारे में मैं बता दूं, पिक्चर में जैसी ये दिख रही थी ना वैसी है। पिक्चर में जो मटेरियल दिख रही है ना, बिल्कुल ऐसे फ्लेयर टाइप की कैनकैंस लगे हुए, वैसी रिसीव नहीं हुई। ये सिंपल स्कर्ट होती है ना उस तरह का कपड़ा है। एंड मैं आपको ब्लाउज का कपड़ा दिखा दूं, क्योंकि उस लहंगे में पिक्चर में ब्लाउज का कपड़ा बहुत ही अट्रैक्टिव दिख रहा था। एंड अगर ब्लाउज सिली हुई नहीं भी आती है तो भी आपको ब्लाउज का कपड़ा तो प्रॉपर देना चाहिए ना। लाइक यहाँ तक बाजू आप दिखा रहे हो, इतना वर्क है बाजू में, और ये जो पोर्शन है इसमें बहुत अच्छे वर्क है, तो इसमें वर्क तो मिली है। बट मैं आपको दिखा दूं तो आप देखो, ये है आपको ब्लाउज का फ्रंट कपड़ा जो मिलेगा, एंड इसमें आपको इनर के लिए भी कपड़ा दे रखा है। तो ये तो आप बनवा लोगे ब्लाउज, चलो ऐसी आपको डिजाइन मिल जाएगी। ऑल ओवर आपको धागे का वर्क मिल रहा है, इसमें जड़ी वर्क मिल रहा है, ठीक है। एंड कलर कॉम्बिनेशन की बात मैं बोलूँ तो जो भी उसने कलर कॉम्बिनेशन उन्होंने दिया है बिल्कुल एज इट इज है, कुछ भी चेंज नहीं है, कलर बिल्कुल सेम है। एंड आपको मैं दिखा दूँ बाजू के लिए और बैक पोर्शन के लिए आपको इस तरह का सिंपल नेट का कपड़ा दिया हुआ है। बता दूँ इसकी जो प्राइस थी 923 रुपीज थी। तो 923 में आप क्या एक्सपेक्ट करते हो? उस तरह की लहंगा जो दिखा रहे हैं वैसी तो आपको रिसीव नहीं ही हो सकती, डेफिनेटली नहीं हो सकती। और जैसी आपको रिसीव हुई है वो बहुत ज़्यादा सिंपल है, वर्क बहुत अच्छा है लहंगे के ऊपर, बट उसमें जो पर्ल्स वगैरह दिखा रहे हैं ना वैसा कुछ भी नहीं है। तो मैं आपको एक हिंट दूंगी, अगर आपको थोड़ा टाइम है किसी फंक्शन में एंड किसी फंक्शन के लिए आप लेना चाहते हो तो आप थोड़ी सी DIY कर सकते हो। लाइक स्टोन्स आप ले लो मार्केट से, कुछ पर्ल्स ले लो एंड उस पर आप DIY करके बहुत ही अच्छा लहंगा इसे बना सकते हो। बट हाँ, ये बहुत ज़्यादा फ्लेयरी नहीं है, इसमें कैनकन्स नहीं है। मैं आपको दिखा दूँ इसकी जो स्कर्ट है, तो ये जो स्कर्ट मैं आपको दिखा रही हूँ, आप देखो स्कर्ट पे पिक्चर में भी दिख रही है कि आपको यहाँ कमर के पास वर्क मिल जाएगा, तो वर्क आपको एज इट इज मिल रहा है। लेकिन उसमें जिस तरह का वर्क है इसमें उस तरह का वर्क नहीं है, इसमें जड़ी वर्क है एंड उसकी वर्क थोड़ी सी अलग थी। एंड ऑल ओवर स्कर्ट में आपको इस तरह का डिजाइन मिल जाएगा। सही, तो इस तरह का मिल जाएगा। एंड इनर में आपको एक कपड़ा भी मिल रहा है जो थोड़ी सी चंदेरी टाइप की है एंड बहुत अच्छी इंटरलॉकिंग की हुई है। लहंगा कुछ इस तरह का है, सिंपल सा स्कर्ट जैसा है, इसमें बहुत अच्छे आप देखो यहाँ पे कपड़ा भी दे रखा है जिस वजह से घेर काफ़ी अच्छी आएगी। बट नीचे से आपको, नीचे में आपको कोई कैनकैन नहीं दे रखा है, सिंपल सी स्कर्ट टाइप का लहंगा है। जैसी आपको 1200 में आपको जिस तरह की लहंगा आपको मिलती है सिंपल, ये उस तरह का लहंगा है, कुछ हेवी लहंगा नहीं है। तो अगर आप सिंपल से ओकेजन के लिए लेना चाहो तो मैं बोलूंगी आप ले लो, ब्लाउज आप अपने अकॉर्डिंग सिलवा लो। एंड ये जो फ्लावर है आप इसके ऊपर थोड़ी सी DIY कर सकते हो, लाइक स्टोन्स लगा सकते हो, पर्ल्स लगा सकते हो, तो ये जो लहंगा है वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत हो जाएगा। आप बहुत ही कम बजट में बहुत अच्छा लहंगा बना सकते हो एक फंक्शन के लिए। तो पूरे लहंगे पे आपको वर्क मिल रहा है एंड इसकी जो मटेरियल है ना काफ़ी सॉफ्ट है। सी आप देख सकते हो नेट का लहंगा है लेकिन ये कितना ज़्यादा सॉफ्ट है,
बिल्कुल इस तरह से आ जा रहा है और बिल्कुल भी हार्ड हार्ड सा नहीं है, क्योंकि बहुत सारे लहंगा होते हैं ना नेट वाले, उसके जो मटेरियल होती है नेट की वो बहुत ज़्यादा हार्ड होती है और इसकी जो मटेरियल है बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है। तो प्राइस वाइज ये लहंगा भी बहुत अच्छा है, आप चाहो तो ले सकते हो, थोड़ी सी आपको DIY करनी पड़ेगी इसमें और इस लहंगे को आप बहुत ही अच्छी एक पार्टी वेयर लहंगा बना सकते हो। तो ये एक छोटी सी हिंट थी मेरे तरफ से, अगर आप चाहो तो ऐसा कर सकते हो। अब मैं इसकी दुपट्टा मैं आपको दिखा दूँ, ये देखो आप दुपट्टा, दुपट्टे पे आपको गोटा पट्टी वर्क है, अगेन बीच में आपको सी इधर अगेन आप देखो यहाँ पे आपको धागे का वर्क मिल रहा है, फ्लावर्स की डिजाइन बनी हुई है। अगेन आप इस पे मिरर वाली मिरर लगा लो या स्टोन लगा लो या फिर पर्ल्स लगा लो, बहुत ही ज़्यादा सुंदर हो जाएगी ये दुपट्टा भी। तो आप एक बहुत ही अच्छे स्मार्ट शॉपर बन सकते हो, बहुत ही कम प्राइस में आप लहंगा ले लो एंड थोड़ी सी उसके साथ DIY कर लो, बहुत ही अच्छा लगेगा। ये थी इसकी दुपट्टा एंड इसकी भी नेट की क्वालिटी काफ़ी अमेजिंग क्वालिटी है, आप देखो बिल्कुल भी रफ बिल्कुल भी टाइट टाइट सी नहीं है, बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है। तो ये लहंगा उतना भी बुरा नहीं है जितना आपको रिव्यूज़ में वहाँ दिख रहे थे, बहुत लोग बोलते हैं रिव्यू इतनी गंदी होती आप इतनी अच्छी कैसे बोल सकते हो, तो यार जो अच्छी है ना उसे मैं अच्छी ही बोलूँगी, उसे गंदा नहीं हो। इसी लहंगे की प्राइस अगर 2000 रुपीज़ होती तो मैं बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करती इस लहंगे को, क्योंकि 2000 रुपीज़ में बहुत अच्छे लहंगे मिलते हैं मीशो पे, बट आपको 1000 से भी कम में मिल रहा है, तो उस अकॉर्डिंग ये लहंगा उतना भी बुरा नहीं है, बहुत अच्छा लहंगा है, आपके ऊपर है, आप चाहो तो इसे ले लो। मैं आपको बस एक सजेशन दे रही हूँ कि आप इस तरह से इस लहंगे को और भी ज्यादा खूबसूरत बना सकते हो एज इट इज, जैसी इमेज में दिख रही थी। ये थी फर्स्ट लहंगा। सेकंड लहंगा जो मैं आपको दिखाने जा रही हूँ ये रेडी टू वियर लहंगा है, बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लहंगा है, मतलब पिक्चर में जैसी दिख रही थी ना ये उससे भी ज्यादा खूबसूरत है। जब मैंने पैकेट खोला था ना तो ये इतने से इतना हो गया था, ये बहुत ही ज़्यादा सुंदर लहंगा है। और रेडी टू वियर लहंगे के साथ एक अच्छी बात होती है ना कि आपको कुछ भी स्टिच करवाना नहीं होता, जो पिक्चर में दिखती है वैसी आती है। तो मैं आपको लहंगा अब दिखाने जा रही हूँ, इतनी सुंदर लहंगा है। तो सबसे फर्स्ट मैं ब्लाउज ही दिखाऊंगी क्योंकि ब्लाउज बहुत ही ज़्यादा सुंदर है, सी इस तरह की ब्लाउज है। आगे आपको कप मिल जाएंगे एंड ऑल ओवर आप देखो पर्ल की वर्क है एंड स्टोन्स लगे हुए हैं, काफ़ी खूबसूरत ब्लाउज है, काफ़ी खूबसूरत। एंड आप देखो बैक में आपको इस तरह की मिल जाएगी। इसकी जो गलत बात है, साइड से इन्होंने कोई भी चेन या कुछ भी नहीं दिया पहनने के लिए, तो आपको जस्ट इस तरह से पहनना होगा। साइड से आप चाहो तो जिप लगवा सकते हो क्योंकि जिप रहती है तो पहनने में ईजी होती है। तो ये लहंगे की ब्लाउज है, आई होप आप अच्छे से देख पा रहे हो इसकी वर्क। तो लहंगे की ब्लाउज बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। अब मैं इसका दुपट्टा दिखाऊंगी आपको, तो दुपट्टा आप देखो सिंपल इस तरह की है एंड इसकी जो नेट की क्वालिटी है ना उतनी अच्छी नहीं है, ना थोड़ी सी हार्ड टाइप की नेट है। आपको ना डिफरेंस समझ में आएगा हार्ड नेट की एंड सॉफ्ट नेट की। सॉफ्ट नेट जो होती है ना बहुत इजीली आ जाती है हैंड में हाथों में, एंड ये आप देखो थोड़ी सी कड़ी है, करके लटकन्स मिल जाएंगे ऑल ओवर जितने भी कॉर्नर्स है उसमें, और इस तरह की गोटा पट्टी वर्क मिल जाएगी कॉर्नर्स पे। स्कर्ट दिखाती हूँ इसकी, ये प्रॉपर सिली हुई आई है एंड आप देखो ये इस तरह की है, ये इस तरह की है एंड ऊपर से तो आपको जस्ट जरी वर्क एंड सीक्वेंस वर्क मिलेगा, एंड आप अंदर से देखोगे ना तो आपको इस तरह का साटन का कपड़ा मिलेगा और इस तरह की क्रिचेस बनी हुई है इसमें जो काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती है ऊपर से। एंड आप लेयर्स काउंट करो, 2 layers 3 एंड ये जो थर्ड लेयर है इसमें आपको नीचे में इस तरह की डिज़ाइंस मिल जाएंगी जो काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती है। एंड अब मैं आपको दिखा दूँ 4th layer एंड 4th layer के बाद आपको कैन मिलती है इसमें सी इस तरह की, एंड इसके भी नीचे लेयर्स है। तो ये लहंगा काफ़ी ज़्यादा फ्लेयरी, मेरी 3rd लहंगा है जो मैंने रेडी टू वियर लहंगा लिया है मीशो से, एंड मीशो पे अच्छी लहंगा मिल जाए ना ये बहुत बड़ी बात होती है, एंड मुझे नहीं लगा था कि इस तरह का लहंगा मुझे रिसीव होगा, बट हाँ बहुत ही अच्छा लहंगा रिसीव हुआ है मुझे। एंड साइड में आप देखो इस तरह की जिप लॉक दी हुई है पहनने के लिए, एंड लास्ट टाइम भी आप लोगों ने मेरे सजेशन पे लहंगा लिया था एंड आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आई थी। इस टाइम भी मैं बोलूँगी अगर आपको लेना है ना तो अब भी जा करके आप ऑर्डर प्लेस करो, बहुत ही अमेजिंग लहंगा है, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है एंड मुझे पता है 1-2 घंटे बाद ये भी आउट ऑफ स्टॉक होने वाली है, तो आप जितना जल्दी हो सके जा करके बाई कर लो, बहुत ही ज़्यादा सुंदर लहंगा है। ये जो लहंगा है ना इसे मैं हाईली रिकमेंड करूँगी,
कुछ लहंगा है मीशो की जिसे मैं हाईली 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 रिकमेंड करती हूँ, एंड मैं बिल्कुल भी नहीं चाहूंगी कि मेरे व्यूअर्स मेरी रिव्यू देखें एंड उन्हें लहंगा रिसीव ना हो। आप बिल्कुल जाकर के लो, जिन्हें भी लेना है, बहुत लोगों को इंगेजमेंट में लेना था एंड बहुत सारे लोग हैं जिनको अपनी बहन की अपनी सिस्टर की इंगेजमेंट में या शादी में लेनी है, तो आप ना बिल्कुल आंख बंद करके ले लो। इसमें आपको बहुत सारे कलर्स मिल जाएंगे। ये मैंने फ्री साइज लिया है एंड इसमें आपको ग्रीन कलर मिल जाएगी, लाइक येलो मिल जाएंगे और ये वाली कलर मिल जाएगी। अब बहुत सारे कलर्स आप पिक कर सकते हो इसमें। ये जो प्राइस है वो 1370 रुपीज है, जो कि काफी ज्यादा अफोर्डेबल है। 1317 रुपीज में आपको रेडी टू वियर लहंगा मिल रहा है एंड इतनी अमेजिंग लहंगा मिल रही है, तो मैं इसे हाईली रिकमेंड करूंगी। आप बिल्कुल आंख बंद करके ले लो एंड आप नीचे बॉटम में देखो, इस तरह का डिजाइन है, बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लग रहा है ये, एंड पहनने पे ये और भी ज्यादा सुंदर लगने वाला है। तो ये थी फर्स्ट सेकंड लहंगा। तो गाइज ये थी मेरी आज की वीडियो, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को इसी तरह सब्सक्राइब करते रहें एंड अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर करें। एंड मैं आपको बता दूं, जो मैंने ज्वेलरी पहना है इसकी बहुत जल्दी ज्वेलरी हॉल आने वाली है। इस ज्वेलरी की मैं लिंक दे दूंगी, जो ज्वेलरी हॉल में मैंने इसे शेयर कर रखा है उस वीडियो की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। टॉप की भी जो कोड है वो आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, तो आप वहां से जाकर चेकआउट कर लेना एंड प्लीज डिस्क्रिप्शन चेक किया करो। डिस्क्रिप्शन में सारे प्रोडक्ट के कोड होते हैं, डिस्क्रिप्शन आपके लिए ही लिखी जाती है, तो एक बार डिस्क्रिप्शन जरूर चेक किया करो। पॉसिबल नहीं है कि हर कमेंट में जाकर मैं कोड्स डालती रहूंगी। सो यही कुछ बातें मुझे आपको बतानी थी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट हॉल वीडियो में, तब तक के लिए कीप ऑन वॉचिंग गाइस।